अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा भी हो शुरू होगा, सहरी भी शुरू होगी। देखो ये दूध गर्म हो रहा है, सूफी को भी, सूफी के अब्बू को भी। देखो यहाँ अंडे का खारस बना रही हूँ, हिट का दिन रखो हूँ, मैं बना लेंगे अब। दो रोटियाँ बना ले लूँ, इनको हिट बना रही हूँ, अंडे का खरस बना लेंगे। काली मिर्ची, जरा मिर्ची का पाउडर, जरा हल्दी का पाउडर, जरा नमक, अंडे के खारस को टच होगा बच्चा अभी नहीं पड़ता उसमें। दूध गर्म होगा, इसका दिन में आ गए अंडे के खारस की प्याज भी तले किए, इसमें अंडे डाल लेंगे हम। रहीम है तो करीम है, अल्लाह सबकी परेशानी दूर करना, अल्लाह सबको भी धूप के रोज़े हमको रहने की ताकत कुव्वत देना, मेरे अल्लाह सबकी इबादत को कबूल करना। लाइक कर लियो, सब्सक्राइब कर लियो, बाप ज़रा भी मेरा काम पसंद आया रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। एक भी बन गया देखो, माशाल्लाह। दम होंगे जरा, शिफ्टिंग आन चल रही है शतलांग के पैन के। बिस्मिल्लाह, बता भी देखिए तला किधर, जरा प्याज लाल हो गए डैंग के खारस के। माशाल्लाह बन रहा ये भी।
ज्यादा जने भी तो ज्यादा जने का काम रहता है, तीन जने का क्या भी ज्यादा काम नहीं रहता। और शहरी में तो होता क्या भी खाई जाता भी नहीं किसे भी। प्याज ज्यादा बहुत तलेगी तो गुड़िया को नहीं पसंद आता। ऐसा कच्ची प्याज में अंडा डालना सुनको नहीं पसंद करते। ऐसा होना सुनको चुन्नी में बहुत आवाज है, पुरानी हो गई है। चूल्हे के साथ चुन्नी भी बदला ना से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आप सब कैसे हैं, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को बच्चियाँ ये वो तलने चने की दाल काटा फिर आकर ले लूँ मैं। चिकन ग्रेवी कद्दू का मीठा इंशाल्लाह बनाना चाह रही हूँ मैं, टाइम रहा तो बनाती हूँ। केजी है चने दाल का आटा, इसे एक तीन स्पून चावल का आटा मिला लेंगे। एक टी स्पून हल्दी पाउडर, दो टी स्पून चिल्ली पाउडर, ज़्यादा तेज खाते नहीं रमजान ना, फूटी हुई मिर्च, पिंक सॉल्ट,
सारी जीरा डाले तो बहुत टेस्टी दिखता है। चार स्पून जीरा। जरी कस्तूरी मेथी, बेकिंग सोडा 1 स्पून, 1 के हाफ वन एंड हाफ। पूरा मिक्स करके रख ले तो पूरा महीना आता है, इजी हो जाता है। खाली 1-2-4 स्पून तुम ना कितने स्पून होना बोले वो मिक्स करके रख ले तो बॉक्स में डाल को तुम ना कितने स्पून होना लेको। खाली पानी मिला को मिक्स करके बना लीजिए, फुल ईजी हो जाता है। नहीं तो वो तब का तब पूरा डाल ले को कर ले को करे तो बहुत तकलीफ हो जाते। टाइम इबादत को नहीं मिलता होता, अच्छा खाना पकाना खाना पीने में छो जाता टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होगा 1 केजी का बॉक्स होगा ये पूरा मिक्स होकर बना रही हूँ मैं। उसे देखो काजू पिस्ता बादाम सब भी ज़रा पाउडर बना लेंगे। फिर मीठा बना रही हूँ उसे मीठे कद्दू का मीठा। बच्ची को मीठा होना कहते कोसा तो भी अलग बनाओ मम्मा, हमेशा बनाई शुद्ध बनाओ आपको करिए बच्ची। इसते इसका बना रही हूँ कद्दू का मीठा। कद्दू धो लियो, ये बॉईल करना सब ये पानी रखी हूँ स्टोव पर। जरा कभी खाना ये वो चटनी पंडुकी ये वो बना डाल करती हूँ ना उसके वास्ते ज़रा तेज रहता है वो। ज़रा पानी पका कर रख डाले तो पानी चुपके बॉईल होने ये बॉईल कर लेंगे ये हमें कद्दू। 1-2 सीटें आगे तो गल जाता हूँ मैं, उसके बाद हम इसे मीठा बाद में बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। फ्रीज हो गए हवा, फ्रीज हो गए कई सब खुलना से बैठे 1-2 मिनट ठंडा होने छोड़ो ये तो ठंडा है। अगर पिघले तला बहुत लेट हो जाता बेटे तैयारी को, उसका मैं थोड़ी प्लेट छोड़ो। चिकन की ग्रेवी बना रही हो, देखो देखो एक जरा एक पाया एक आठ हरे मिर्चा, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटो, 1 मुट्ठी कोथिमीर, 2 प्याज। बाद में पकाने के टाइम पर काली मिर्ची भी ज़रा गरम मसाला मिला लेते हैं। देखो माशाल्लाह हमारे आपके बच्चे बहुत तजुर्बे कर रहे हैं, मैं वैसा तुरुप लेते हैं इसमें पुरिया ओवन में डाल लो मम्मा 2 मिनट जल्दी पिघल जाता है। कभी वैसा अच्छे कर ले तुम्हें घर को बोल को दिखाए। देखो तो फ्रिज में रखते ही ठंडा होगा, दिखा देते इधर देखो माशाल्लाह मेरी बच्ची को माशाल्लाह बोलो। मंसा चढ़ा ग्रेवी बना ले तो माशाल्लाह मसाले डाल लेंगे अब हमें। पके के बाद जरा भून को बाद में ग्रेवी बना लेती हूँ। क्या
बहुत मीठा नहीं खा रहा हूँ। ग्रेवी पंडी आर्योर हो बेटे मूंग की दाल ये कच्ची मूंग की दाल ये सिर्फ वेड़े बना रही हूँ उसमें ये तो बताओ आशे ये मूंग की दाल पिज्जा देखो हमारे होरिया बनी सो पिज्जा ये दुआ करो प्याज पकिए नहीं माशाल्लाह से लाइक करो सब्सक्राइब करो।